ओल्ड आईसीएफ जो रैक्स होते हैं ना दोस्तों, काफ़ी शानदार लगते हैं। गर्भरत्न है, इसकी लीवरी ओरिजिनल लगती है, एकदम हाई स्पीड से। ओ उधर भागो, उधर उधर भागो, पुलिस वाला पकड़ेंगे। आप चैन पुलिंग किया ना, अभी पैसेंजर्स बोर्ड नहीं करते, कामायनी एक्सप्रेस है उसके साथ, अभी पैरेलल रन हो रहा है हमारी इस ट्रेन का। सीन देखिए, सीन कितना शानदार है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्वाइपर। अभी मैं हूं इस गर्भरथ एक्सप्रेस में जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है। इस ट्रेन से मैं जबलपुर तक एंड टू एंड ट्रेन जर्नी करने वाला हूं और आपको कसारा घाट दिखाने वाला हूं। इस ट्रेन जर्नी में क्या क्या खूबियाँ, इस ट्रेन जर्नी में सब दिखाने वाला आपको, काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेन जर्नी होने वाली है, तो वीडियो को ना पूरा जरूर देखें, इंटरेस्टिंग होने वाली है। और मानसून अगर मिला कसारा घाट में तो मज़ा ही आ जाएगा। सीट मिली है दोस्तों हमारे को, एक नंबर। बाकी आईसीएफ में तो ट्रेन जर्नी करने में मज़ा आएगा, जो ओल्ड लिवरी रहती है ना ट्रेन की, वो करने में मज़ा आएगा। मुंबई जालना वंदे भारत एक्सप्रेस अभी डिपार्ट हो रही है मुंबई सीएसएमटी से। 1:30 PM को यहाँ से ट्रेन डिपार्ट होंगी मुंबई सीएसएमटी से, और देखा जाए जबलपुर तो अर्ली मॉर्निंग 5 बजे ये ट्रेन पहुँच जाएंगी। तो देखते हैं अब टाइम की कितनी पंक्चुअल है ये गरीब रथ एक्सप्रेस। बाकी ट्रेन जर्नी करने में काफ़ी मज़ा आएगा। एकदम ऑन टाइम 1:30 PM को ट्रेन डिपार्ट हो रही है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई रेलवे स्टेशन से। वन टू वन डबल एट मुंबई जबलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी में आपका स्वागत है। एकदम सामने है हमारा और यह है महानगरी एक्सप्रेस का। चलो बाय बाय करते हैं मुंबई को। एंड टू एंड ट्रेन जर्नी कर रहे हैं तो थर्ड एसी का ही कोच है इसमें, पूरे जो कोच है ना वो थर्ड एसी है और हमारा कोच है G16, तो 920 रुपये हमारे को किराया लगा है। तो आपके लिए इतना सब कर रहे हैं, थर्ड एसी में बैठ रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें। और इससे पहले मैंने महाराष्ट्र एक्सप्रेस के थर्ड एसी में भी ट्रेन जर्नी किया हूँ और प्रगति एक्सप्रेस में भी ट्रेन जर्नी किया हूँ, जिसमें आपको खंडाला घाट दिखा हो, तो वो अगर ट्रेन जर्नी नहीं देखे हो तो उस ट्रेन जर्नी को भी देखिए, फिर उसके बाद इस ट्रेन जर्नी को पूरा देखिए। काफ़ी कसारा घाट देखने को आपको मिलने वाला इस ट्रेन जर्नी। और ये लोकल ट्रेन ना देखे तो क्या देखा।
294 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने वाली है मुंबई से जबलपुर तक 15 घंटे 45 मिनट में 13 हॉर्स के साथ। दोस्तों ट्रेन की अगर स्पीड देखा जाए तो पूरे जर्नी में एंड टू एंड 64 kmph की होने वाली है और 130 kmph की तक ये ट्रेन चली जाती है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे इस ट्रेन को ऑपरेट करता है और ये ट्रेन वीक के 3 दिन चलती है, संडे ट्यूजडे और थर्सडे। और आज थर्सडे है तो मैं थर्सडे में ट्रेन जर्नी कर रहा हूँ इस ट्रेन से। मुंबई CSMTC ये 3 दिन चलती है और जबलपुर से भी 3 दिन चलती है। 21 फरवरी 2009 से इस ट्रेन की शुरुआत हुई थी और ये ट्रेन देखा जाए तो कल्याण भुसावल इटारसी के रास्ते जबलपुर जाने वाली है। ओल्ड ICF जो रैक्स होते हैं ना दोस्तों काफी शानदार लगते हैं। गर्भरत्न है, इसकी लेवरी ओरिजिनल लगती है कि इस ट्रेन से समझ में आ जाता है इस ग्रीन लिवरी की ये गरीब रथ एक्सप्रेस है। तो मस्जिद बंदर रेलवे स्टेशन को ट्रेन अभी स्किप कर रही है। और वेस्ट सेंट्रल रेलवे से रिक्वेस्ट है कि इसका जो ओरिजिनल लिवरी कलर है वही रखे अगर LHB में कर रहा है तो भी। ये देखो कितनी शानदार लग रही है ग्रीन लिवरी में, मुझे पसंद आ गई ट्रेन ये तो। और जो ऊपर जाते हुए वो दिख रहा है वो हार्बर लाइन का है दोस्तों। यह है यार्ड वाड़ी बंदर हावड़ा मुंबई मेल यार्ड में लग रही है। अभी रात को यहाँ से निकलेंगी ट्रेन। खला इसको स्किप कर रही है। और दोस्तों कल मैंने यहाँ के वड़ा पाव खाया था, ग्रेजुएट वड़ा पाव, काफ़ी अच्छे वड़ा पाव लगे थे। तो आप अगर कभी आते हो भाई खला तो वहाँ ग्रेजुएट वड़ा पाव में वड़ा पाव खा सकते हैं। अभी मैं लेफ्ट साइड में खड़ा हूँ, राइट साइड में अगर आप उतरोगे तब आपको मिल जाएगा ग्रेजुएट वड़ा पाव, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। कर लिया है और अभी आपको मैं समझाऊंगा सेंट्रल लाइन और वेस्टर्न लाइन कौन कौन सी है। तो लोकल ट्रेन दिख रही है वो है वेस्टर्न लाइन। वेस्टर्न लाइन का प्रभा देवी रेलवे स्टेशन है और सेंट्रल लाइन का परेल। सेंट्रल लाइन का है स्टेशन परेल।
कंफ्यूज मत होना आप। बाकी दादर सेंट्रल और दादर वेस्टर्न दोनों अलग अलग रेलवे स्टेशन है, और दादर टर्मिनस वो भी अलग है, पर ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, तीनों स्टेशन एक ही में है। सात प्लेटफॉर्म वेस्टर्न लाइन में है और सात प्लेटफॉर्म सेंट्रल लाइन में, और दो प्लेटफॉर्म। तीन मिनट का हॉल्ट होगा ट्रेन का यहाँ। वो पैसेंजर्स खड़े हैं वो सेंट्रल लाइन तक है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में फिर वेस्टर्न चालू हो जाता दादर। ट्रेन में मुंबई CSMTC से काफ़ी पैसेंजर्स बोर्ड नहीं करते, पब्लिक काफ़ी है। ये दादर स्टेशन है तो दादर में तो पब्लिक। जनशताब्दी एक्सप्रेस थोड़े CST चाहते हो इसकी ट्रेन जर्नी करूँ तो कमेंट जरूर करें, दादर स्टेशन पर आइए। तीन मिनट के हॉल्ट के बाद अभी दादर स्टेशन से ट्रेन डिपार्ट हो रही है। तीन मिनट की डिले के साथ ही आई थी यहाँ पर ट्रेन। हमारी ट्रेन देखा जाए तो लोकल ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर आई है, इसलिए दोनों साइड आपको प्लेटफॉर्म दिखने जाएंगे। उधर साइड वाले जो है लेफ्ट हैंड साइड वाले वो प्लेटफॉर्म्स हैं मेन ट्रेन्स की, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स होती है। ये सबर्बन का प्लेटफॉर्म है लेकिन ट्रेन आ गई है इधर अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो जो ट्रेन खड़ी है वो है दादर टर्मिनस, वहाँ पर खड़ी है वो ट्रेन। वॉशरूम भी देख लो, फैन लगाए, धूम्रपान निषेध लिखा है तो स्मोकिंग मत करना अगर आप आ रहे हो तो। बाकी ये वेस्टर्न वाला है और ये नॉर्मल वाला। देखते हैं, पानी भी आ रहा है। माटुंगा स्टेशन को स्किप कर रही है ट्रेन। कमेंट करते जाओ अगर आप मुंबई से हो या जो भी स्टेशन से हो, कमेंट करते जाओ कहाँ कहाँ से हो आप, मज़ा आएगा इस ट्रेन जर्नी में। अभी मैं आपको एक और लाइन दिखाता हूँ, वो जो ऊपर साइड थी वो लाइन थी। अभी ट्रेन ने पिकअप अच्छा खासा पकड़ लिया है। कुर्ला स्टेशन आने वाला है, उसको स्किप करने वाले तो उसका भी स्किप दिखाऊंगा आपको। बाकी ये देखिए, होटल में अगर अगर आपको रुकने के लिए होना तो कुर्ला में आ सकते हैं आप।
सामने कामायनी एक्सप्रेस है, उसके साथ अभी पैरेलल रन हो रहा है हमारी इस ट्रेन का। चलो जीत चुकी है, एक तरफा जीती है हमारी गरीब रथ, रेस ही नहीं कर सकते इसको तो। बाकी देखते हैं वापस आती है कि नहीं कामायनी एक्सप्रेस। घाट खोपर स्टेशन को स्किप कर रही है ट्रेन अभी। यह है मुंबई, मजा आ रहा है तो बताइए कमेंट करके, क्योंकि मैं आपको पूरा सबर्बन रूट दिखा रहा हूँ मुंबई लोकल का, और इसके बाद कसारा घाट दिखाऊंगा। बस ट्रेन जर्नी को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसी लग रही है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे इन्फॉर्मेशनल और जर्नीज वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी इसी शो आई पर चैनल पर। चलो अभी विक्रोलिया नाला है, उसको भी ट्रेन स्किप करते हैं, हर स्टेशन स्किप करेंगे, सिर्फ अभी कल्याण पर दूसरा स्टॉप होने वाला है ट्रेन का। वैसे विक्रोली पर कोई भी एक्सप्रेस सुपरफास्ट ट्रेन तो रुकती नहीं, तो ये क्यों रुकोगी, ये तो गरीब रथ है, ये एक प्रीमियम ट्रेन है। पीछे पीछे ना कामायनी एक्सप्रेस आ रही है, देखते हैं कहाँ तक हमारे को पकड़ती है। थाने स्टेशन को भी स्किप करने वाली है। इंप्रेस कर लिया, मजा आ गया इस ट्रेन से। पनवेल की ओर से आज यहाँ लाइन आती है, इसलिए दीवा को जंक्शन कहते हैं। वो जो सामने ट्रेन दिख रही है वो पनवेल की ओर से ही आई है, गई है वो, जो तो वो गई है पनवेल की ओर।
मौसम तो दिख रहा है, देखते हैं अब कितनी बारिश होती है। कसाराघाट में अगर बारिश हो जाए तो मजा ही आ जाएगी। बाकी इसके नज़र लो आप पहले, तभी तो मज़ा आएगा उस ट्रेन जर्नी में। का काम चल रहा है, काम नहीं रुकना चाहिए। मुंबई रेलवे तभी चलती रहेंगी, अगर इनका काम रुका तो मुंबई रेलवे रुक जाएंगी। तो मेरे हिसाब से तो यही लोग चलाते रेलवे को, ट्रैक मैन, जो इतनी मेहनत करते हैं, तेज धूप हो, बारिश हो या कुछ भी हो, तेज ठंडी हो, हर टाइम। डोंबिवली रेलवे स्टेशन को भी ट्रेन स्किप कर रही है। अभी कल्याण जंक्शन आने वाला है ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट, और उसके बाद सीधा जो ऑफिशियल हॉल्ट आने वाला है वो नासिक रोड होने वाला है। तो बस कल्याण जंक्शन पर 3 मिनट का हॉल्ट लेंगे और उसके बाद सीधा नॉन स्टॉप चलेंगे नासिक रेलवे स्टेशन तक। हालांकि देखा जाए तो इगतपुरी और कसारा में टेक्निकल हॉल्ट होने वाले हैं। सामने कोई तो ट्रेन आ रही है जिसके साथ अभी हमारा जिंग होने वाला है, देखते हैं कौन सी ट्रेन है। ये कल्याण जंक्शन का आउटर है, WAP 7, और ट्रेन है पाटलिपुत्र एक्सप्रेस। जो पाटलिपुत्र से आई है LTT जाएंगी, पाटलिपुत्र यानी कि बिहार पटना। कमेंट करिए अगर इस ट्रेन में भी ट्रेन जर्नी करूँ तो। के आउटर पे खड़ी है ट्रेन, माहौल एकदम सेट हो चुका है बारिश का। अब आएंगे ACMU, देख लो ACMU। चलो बारिश भी शुरू हो चुकी है कल्याण से ही, कसारा में चाहिए था लेकिन ठीक है कल्याण से ही शुरू हुई तो कोई बात नहीं। अभी कल्याण जंक्शन पर ट्रेन अराइव होने का देख रही है। यहाँ से भी पब्लिक बोर्ड होने वाली है इस ट्रेन में, क्योंकि इसके बाद सीधा ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट नासिक रोड होने वाला है। तो देखते कितने पब्लिक आती है, अच्छी खासी भीड़ है, कम है कम है, इससे भी ज़्यादा रहती है। तो 3 मिनट के हॉल्ट के बाद अभी जबलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस कल्याण जंक्शन से डिपार्ट हो रही है। अब ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट नासिक रोड होने वाला है, तो लगभग अभी नॉन स्टॉप ही चलने वाली है ट्रेन। हालांकि देखा जाए तो कसारा और इगतपुरी में जो बैंकर्स लो क्वार्टेज होंगे उसके लिए ट्रेन रुक जाएंगी। अच्छा
अच्छी खासी भीड़ रहती है कल्याण पर। राइट हैंड साइड में लाइन जा रही है, वो जा रही है दोस्तों पुणे की ओर, पुणे पनवेल की ओर जाती है वो लाइन वाया करचत। और अभी हम मनमाड़ वाया मनमाड़ वाली लाइन पे हो चुके हैं। दोस्तों डायरेक्ट मिलते हैं इगतपुरी में और कसारा में, क्योंकि इसके बीच के जो भी स्टेशन है उतने खास हैं नहीं, तो अब डायरेक्ट मैं आपको मिलाऊंगा कसारा और इगतपुरी में। अभी नियर बाय कसारा गए हम और कसारा से कसारा घाट शुरू हो जाएगा। ये देखो ये बैंकर्स लोगों, अब इस ट्रेन के पीछे लग जाएंगे बैंकर्स लोगों, क्योंकि चढ़ाई वाला घाट सेक्शन है। उतरना रुको रुको रुकने दो, गाड़ी टाइम है अभी। कसारा घाट यही से शुरू होता है, कसारा घाट यही से शुरू होता है। और यहाँ पर अभी ट्रेन टेक्निकल हॉल्ट के चलते रुकी है, कसारा से ट्रेन डिपार्ट हो गई है। मॉनसून तो है नहीं इधर, मॉनसून रहता तो और मज़ा आता। बस मेन मेन पॉइंट ही रखना पड़ता है ना। भैया कहाँ से हो आप? रीवा। क्या नाम है भैया आपका? पंकज मिश्रा। तो भैया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, देखते हैं ठीक है। अब इतनी खतरनाक चढ़ाई होने वाली है दोस्तों, क्या बताओ आपको। बाकी बस वेस्ट सेंट्रल रेलवे से रिक्वेस्ट है कि इस ट्रेन का जो ओरिजिनल कलर है लिवरी है उसको ना छोड़ें। शान है दोस्तों ये, अगर देखा जाए जबलपुर की तो इसी कलर में ये गरीब रथ एक्सप्रेस। चलो ये आए बैंकर्स लोग को दूसरी ट्रेन को ट्रैक्शन देके। मॉनसून नहीं है तो मज़ा नहीं आ रहा है, बाकी ग्रीनरी देखिए आप कितनी शानदार है। ग्रीन ट्रेन ग्रीनरी लैंड। चलो दोस्तों एक फ़ायदा है, मॉनसून नहीं है तो मैं शूट कर पा रहा हूँ अच्छा खासा। मॉनसून आई थी इससे पहले, आधे से एक घंटे पहले मॉनसून आके गई है। Thank you.
ये है कैच साइडिंग, अगर ट्रेन के ब्रेक फेल हो जाए तो यहाँ पर ट्रेन चढ़ा दी जाती है। सामने अभी किसी ट्रेन के साथ हमारा जिंग होने वाला है, देखते हैं कौन सी ट्रेन है। बैंकर्स लगे हैं, P4 और ये है गुड्स ट्रेन जो LHB रैक्स में आती है, पार्सल ट्रेन है। चलो पैरेलली आ रही है ये हमारे साथ। सीन देखिए, सीन कितना शानदार है, और उस पे लगाती है चार चांद का सारा घाट को, ये उसकी ग्रीनरी। बाजू में ही हाईवे है, जो आप क्लियरली देख सकते हैं। मुंबई नासिक हाईवे है ये। कसारा घाट जो गया ना वो होटल है।
कसारा घाट खत्म हो चुका है। ट्रेन देखा जाए तो अप वाले लाइन में आई है, डाउन लाइन में आनी थी लेकिन अप लाइन में आई, तो ज़्यादा कुछ नज़ारे नहीं दिखा सका मैं आपको। बैंकर्स लोगो WAG सेवा। चलो भाई चलो। इगतपुरी हो रही है इगतपुरी से ट्रेन। चलो अब ट्रेन का तीसरा हॉल्ट नासिक रेलवे स्टेशन आ रहा है, ऑफिशियल हॉल्ट। दो मिनट के हॉल्ट के बाद अभी ट्रेन डिपार्ट हो रही है नासिक रोड रेलवे स्टेशन से। 16 मिनट डिले आई थी यहाँ पर, और सामने है पुष्पक एक्सप्रेस खड़ी नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर, लखनऊ मुंबई। कर दिया लगता है किसी ने, चेन पुलिंग की है। ये लोग बैठते क्यों भाई पता नहीं, इनको पता नहीं कौन सी ट्रेन कहाँ जाती है और बैठ जाते हैं ट्रेन में। ये गरीब रहते है दोस्तों गरीब की रात है लेकिन ये बैठ गए, इनको पता ही नहीं इनको उनकी गरीब रात लगी। ये देखो इनके चक्कर भी, इनको तो फाइन ऐसा लगना चाहिए। फिर ट्रेन डिले हो जाएगी। ये भाग रही इधर आ गया ओ, उधर भागो पुलिस वाला पकड़ेंगे। अब चैन पुलिंग किया ना देखते क्या हो रहा है उनके बीच में। RPF वालों ने पकड़ तो लिए उनको, पकड़ लिए। इनको पता नहीं रहता कौन सी ट्रेन क्या है, फिर भी चढ़ जाते हैं। थोड़ी देर में दोस्तों मनमा आने वाला है, वहाँ ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट होगा, फिर उसके बाद ट्रेन जलगांव स्टेशन 2 घंटा नॉन स्टॉप चलेगी जलगांव स्टेशन पर। उसके मनमार के बाद जलगांव इस ट्रेन का स्टॉप होने वाला है, फिर उसके बाद भुसावल जंक्शन होने वाला है ट्रेन का। song
सामने से कोई तो ट्रेन आ रही है, देखते हैं कौन सी ट्रेन है। P7 के साथ कौन सी ट्रेन है देखते हैं। ये ट्रेन आई है पुणे की ओर से और ये है पुणे वाली लाइन, दौंड तक जाती है। और इस साई नगर काकीनाडा इस ट्रेन के साथ पैरेलल अराइवल हमारा हो रहा है मनमाड़ जंक्शन पर। WDG CXG साउंड सुनिए इस लोकल्स का। पर काम चल रहा है, चलो अभी 2 मिनट के हॉल्ट के बाद ट्रेन डिपार्ट होने के लिए तैयार है। ग्रीन सिग्नल आ गया है, बाकी वहां पर भी साइकिल चल रही है। अब सीधा इस ट्रेन का लगभग 2 घंटे के बाद हॉल्ट आने वाला है। मैसूरू मनमाड़ एक्सप्रेस उसके और रैक्स हैं। देख पा रहे होंगे इसकी स्पीड। और ये रूट अभी जलगांव तक 4 लाइन्स का है, तो आप पैरेलल रन कहीं भी देखने को मिल सकता है।
सनसेट के नज़ारे देखिए। नांदगांव स्टेशन को स्किप करने वाले उसका स्किप आपको अभी आगे दिखाऊंगा। मेमू ट्रेन है कोई, स्टेशन को अभी स्किप कर चुकी है ट्रेन। दोस्तों अभी चालीसगांव रेलवे स्टेशन को स्किप करने वाली है ट्रेन, इसके बाद फिर जलगांव रेलवे स्टेशन ट्रेन का स्टॉप आने वाला है, फिर उसके बाद आएगा भुसावल। तो अभी चालीसगांव रेलवे स्टेशन का स्किप आप देखिए। चालीसगांव जंक्शन सामने है मुंबई धुले एक्सप्रेस, जनशताब्दी एक्सप्रेस सॉरी। पाचोरा जंक्शन को ट्रेन स्किप करने वाली है, तो उसका भी स्किप दिखा रहा हूँ मैं आपको, फिर उसके बाद आएगा जलगांव रेलवे स्टेशन। पाचोरा जंक्शन ये जलगांव सिटी में ही आता है। ट्रेन को सिग्नल अभी रेड है तो स्किप नहीं कर पाएंगे, रुकेंगी ट्रेन यहाँ पर। अभी जलगांव जंक्शन आएगा तो उसका अराइवल अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, फिर डिपार्चर भी दिखा दूंगा। जबलपुर तक तो जहाँ तक लगता है ट्रेन कवर कर लेंगे। यहाँ पर 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है इस ट्रेन का। का हॉल्ट होता है लेकिन 10 मिनट सिग्नल ना मिलने के कारण अभी रुकी थी हमारी गरीब रथ एक्सप्रेस और अभी जलगांव जंक्शन से डिपार्ट हो रही है। ऑफिशियल हॉल्ट तो 2 ही मिनट का है लेकिन सिग्नल ना था तो फिर 10 मिनट रुक गई, अभी डिपार्ट हो रही है बाकी। इसके बाद भुसावल जंक्शन आने वाला है। गरीब रथ एक्सप्रेस का हमने अंडा बिरयानी लिया था, एक नंबर टेस्ट बना था, तो आप ट्राई कर सकते हैं जब भी आप अगर इस ट्रेन में आए तो। बाकी पैंट्री का आया तो नहीं है लेकिन IRCTC का खाना मिलता है तो अच्छा ही खाना लगा मुझे। मैं आपको वीडियो नहीं दिखा पाया, मुझे तो खाना वाना दिखाना उतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने डायरेक्ट खाना खा के रिव्यू बता दिया आपको। बहुत अच्छा लगा मुझे, 110 रुपये की थी वो अंडा बिरयानी की एक थाली, तो आप ले सकते हैं जब भी आओ इस ट्रेन में। तो चलो अभी दोस्तों थोड़ी देर में भुसावल जंक्शन आने वाला है, तो वहाँ ट्रेन ना 48 मिनट डिले के साथ पहुँचने वाली है। बाकी उसके बाद खंडवा जंक्शन ट्रेन का स्टॉप होने वाला है, तो खंडवा तक मैं आपको ट्रेन जर्नी दिखाऊंगा, उसके बाद सो जाएंगे क्योंकि रात की जर्नी देख के क्या फ़ायदा, बस स्टेशन ही को देखना है, तो सो जाएंगे, फिर सुबह मिल जाएंगे आपके साथ जबलपुर में।
दोस्तों 5 मिनट का हॉल्ट होगा इस ट्रेन का इस भूसौल जंक्शन पे। बाकी देखिए कितना वाइड है ये, सामने कोई ट्रेन अराइव का देख रही है, सॉरी डिपार्चर हो रही है वो ट्रेन। यहाँ तक ट्रेन 48 मिनट्स डिले हुई है, बाकी आगे जबलपुर कितने टाइम पर पहुँचती है वो देखना पड़ेगा। भुसावल का केला फेमस है। भुसावल का केला फेमस है। देखिए कितना वाइड स्टेशन। यहाँ तक ट्रेन ने लगभग 442 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लिया है। अब सिर्फ 442 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है। यह है भुसावल जंक्शन और यहाँ तक ट्रेन अभी आ गई है 48 मिनट डिले के साथ। अब आगे की जर्नी, ट्रेन का सिग्नल हो गया येल्लो, अब चलो निकलते हैं। इसके बाद सीधा खंडवा जंक्शन आने वाला ट्रेन का स्टॉप, यानी ट्रेन अभी नॉन स्टॉप चलने वाली है लगातार 2.5 घंटे लगातार नॉन स्टॉप चलेगी ट्रेन। इसके बाद खंडवा, फिर आएगा हरदा और फिर आएंगे इटारसी। बाकी इटारसी अगर तो नहीं दिखा पाऊँगा, खंडवा तक मैं आपको दिखाता हूँ। येल्लो हो गया सिग्नल। हेलो बोलो बेटा, हेलो हेलो, आप भी आओगे वीडियो में। अभी भुसावल जंक्शन पे इनसे मुलाकात हुई है, सब्सक्राइब भी कर दिए इन्होंने, चलो लाइक भी कर दिए। हंसो थोड़ा, स्माइल स्माइल दो, रात का टाइम है, स्माइल। अरे नहीं, चलो टेंशन में, बाकी मिलते हैं आपको डिपार्चर के बाद। चलो 5 मिनट के हॉल्ट के बाद भुसावल जंक्शन से ट्रेन डिपार्ट हो रही है। इसके बाद खंडवा जंक्शन आएगा, उसका अराइवल और डिपार्चर दिखाऊंगा, फिर सो जाएंगे क्योंकि रात की जर्नी है, क्या ही देखोगे आप। काफी वाइड स्टेशन है ये देखा जाए तो, जितना बड़ा स्टेशन है उतनी जगह में कम से कम 15 से 20 प्लेटफॉर्म्स आ जाएंगे, लेकिन 8 ही है। चलो भुसावल जंक्शन, बाय बाय। कोई भुसावल से हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। देर में अभी खंडवा जंक्शन आने वाला है, तो ये जर्नी अब यहीं तक होने वाली है, फिर डायरेक्ट हम जबलपुर में मिलने वाले हैं। यहाँ का अराइवल और डिपार्चर दिखा देते हो आपका, क्योंकि अभी 11 बज रहे हैं, अभी सोने का टाइम हो गया, तो फिर सोते हैं और फिर कल मिलते हैं जबलपुर में। और वहाँ से एक और ट्रेन जर्नी शुरू होने वाली है जबलपुर से गोंदिया की, जो वहाँ का भी जो घाट सेक्शन है वो भी दिखाऊँगा, तो उस ट्रेन जर्नी का वेट कीजिए। इस ट्रेन जर्नी के बाद वो ट्रेन जर्नी जल्दी आने वाली है। मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। अभी मध्य प्रदेश में पहुंच चुकी है महाराष्ट्र से हमारी ट्रेन गरीब रथ एक्सप्रेस, अब पूरे स्टॉप मध्य प्रदेश के ही होने वाले हैं। और यह है खंडवा जंक्शन, अच्छा खासा बड़ा स्टेशन है ये, अच्छी रैंक रखता है मध्य प्रदेश की टॉप 10 लिस्ट में। बाकी 2 मिनट का ही हॉल्ट होने वाला है इस स्टेशन पर इस ट्रेन का।
जनरल के हाल देखो उस ट्रेन के, जगह भी नहीं है। कैसे कैसे सफर करना पड़ता है, इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों एक वंदे भारत की जगह पांच स्लीपर या जनरल वाली ट्रेन शुरू करे तो फायदा है। चलो दो मिनट के हॉल्ट के बाद अभी खंडवा जंक्शन से हमारी गरीब रथ एक्सप्रेस डिपार्ट हो रही है। पाँच सौ 566 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ तक ट्रेन ने तय कर लिया है और सिर्फ 15 मिनट ही लेट हुई है, यानी ट्रेन ने अभी अपना टाइम कवर कर लिया है। जहाँ एक तरफ ट्रेन देखा जाए तो एक घंटा डिले चल रही थी, और ये देखिए पटना LTT एक्सप्रेस जनरल के हाल बेहाल है। अब मिलते हैं दोस्तों सीधा जबलपुर में, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है, अब इसके बाद शूट करके कोई फ़ायदा भी नहीं है। कमलापति जनशताब्दी एक्सप्रेस चलो तो दोस्तों अभी मदन महल में अपनी जर्नी एंड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से अभी मेरी गोंदिया के लिए और एक दूसरी ट्रेन है और ट्रेन पहले से ही डिले हुई है, तो जर्नी को यही एंड करना है। वो लगा नहीं था गरीब रथ एक्सप्रेस डिले हो जाएंगे, लेकिन एक घंटा डिले हो गई है। अब मदन महल से गोंदिया तक दूसरी ट्रेन जर्नी करने वाला हूँ। एक ट्रेन तो छूट गई गरीब रथ एक्सप्रेस के डिले होने के कारण, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।